नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 21 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। त्योहारों पर चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। पूजा को लेकर बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए कई ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छठ पूजा में काफी भीड़ होने के कारण LTT 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलेगी। साथ ही साथ अब यह ट्रेन 5 फेरे लगाएगी। पूजा को ध्यान में रखते हुए रांची से टाटा के लिए भी ट्रेन चल रही है। इसके अलावा कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा बोगियां भी लगाई जा रही हैं ताकि भीड़ को नियंत्रण में रखा जा सके। 22 साल की उम्र में मिस्त्री की बेटी ने रचा इतिहास। हौसले बुलंद हो तो कामयाबी को कोई आपसे दूर नहीं कर सकता, ऐसा ही कर दिखाया है बिहार के एक मामूली मिस्त्री की बेटी ने। पूर्वी चंपारण के मधुबनी की रहने वाली प्रियंका ने अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अपनी मेहनत और लगन से प्रियंका ने BPSC परीक्षा में 101वां स्थान हासिल किया है। आपको बता दें, प्रियंका का पहले BDO पद के लिए सिलेक्शन हो चुका है। नीतीश कुमार पर बदले गिरिराज सिंह के सुर। भाजपा के फायरब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह अक्सर अपने ही सहयोगी पार्टी के प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते नजर आते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी की ओर से लगातार मिल रही नसीहत से अब गिरिराज के सुर बदले नजर आ रहे हैं। अमित शाह के बयान के बाद बेगूसराय में पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय को मानेंगे और नीतीश कुमार NDA के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद आज डाले जाएंगे वोट। आगामी उपचुनाव के प्रचार का शोर शनिवार की शाम 5 बजे थम गया, जिसके पश्चात मतदान की प्रक्रिया आज की जाएगी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा बलों का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें, समस्तीपुर लोकसभा और किशनगंज, बेलहर, नाथनगर, दरौंदा एवं सिमरीबख्तियारपुर में आज वोट डाले जाएंगे। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं एक लोकसभा सीट के लिए सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती है। आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में से एक थे। इनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद बिहार के लिए इन्होंने जो किया, उसके लिए बिहारवासी हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। सत्य और अहिंसा में उनकी आस्था अटल थी। श्री कृष्ण सिंह का बतौर मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल 1946 से 61 तक रहा है। इस सरकारी नौकरी में सीधे इंटरव्यू से होगा चयन। बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी द्वारा सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के कुल 183 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shsbrecruitment.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री या इसके समान योग्यता होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। आपको बता दें, इन पदों पर आवेदन भरने के लिए कोई शुल्क नहीं है, आवेदन ऑनलाइन करना होगा। IPL के ट्रायल सिलेक्शन में शामिल होगा रोहतास का आकाशदीप। बिहार के रोहतास का आकाशदीप IPL के ट्रायल सिलेक्शन में शामिल होने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिहार की मिट्टी से निकला आकाशदीप मुंबई इंडियंस की टीम के लिए खेलेगा। ज्ञात हो 23 अक्टूबर को मुंबई इंडियंस की टीम का चयन ट्रायल है, जिसमें उसे आमंत्रित किया गया है। जिले के शिवसागर प्रखंड के बड्डी गांव के रहने वाला आकाशदीप का चयन ट्रायल के लिए आमंत्रित किए जाने पर पूरे गांव में खुशी का माहौल है। बिहार की GRP पहुंची दिल्ली। बिहार की GRP दिल्ली पहुंच गई है, जहां GRP भीड़ वाली लंबी दूरी की ट्रेनों पर निगरानी रखेगी। छठ पर्व पर बिहार आने वाले यात्रियों की भीड़ की सुरक्षा के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। रेल DIG उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि सहरसा, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बरौनी, दरभंगा, पटना, जसीडीह आने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में अधिक भीड़ रहती है। भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए GRP और RPF की टीम ट्रेनों पर निगरानी रखेगी। जल जमाव पर LNT कंपनी ने दी सफाई। भारी बारिश के कारण पटना में हुए जल जमाव से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब हर कोई इसकी जिम्मेदारी लेने से भाग रहा है। इसी बीच कंस्ट्रक्शन कंपनी LNT का बयान जारी हुआ है। LNT ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि पटना में हुए जल जमाव में हमारी कोई भूमिका नहीं है और हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। कंपनी ने कहा है कि हमारा काम जल निकासी करने का नहीं है। भाजपा संगठन चुनाव के लिए हुई बैठक। अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में बिहार भाजपा के प्रदेश स्तरीय संगठन चुनाव की समीक्षा के लिए बैठक हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी सांसद राधामोहन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। राधामोहन सिंह ने संगठन चुनाव को निर्धारित समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने 31 अक्टूबर तक बूथ कमेटी और मंडल कमेटी का गठन पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पप्पू यादव ने शेयर किया सफाई करते हुए एक वीडियो।
जहां प्रमुख पप्पू यादव हाल ही में पटना में हुए जलजमाव के बाद सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में अब पप्पू यादव सफाई अभियान चलाने के कारण चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में पप्पू यादव ने सफाई करते हुए एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें पप्पू यादव ने केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपने पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा है, सेवा कार्य समर्पण से होता है, सिर्फ दिखावे से नहीं। पटना में सफाई अभियान स्वच्छ भारत अभियान की तरह नौटंकी नहीं। मैं बिहार के लोगों को स्वस्थ रखने की हर मुमकिन कोशिश में लगा हूं। बिना संकल्प कैसी सियासत। रतनपुर बिश्नुपुर लभरचक सड़क अब डॉक्टर भोला सिंह पथ के नाम से जाना जाएगा। पूर्व सांसद डॉक्टर भोला सिंह के पहले पुण्यतिथि पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पथ का अनावरण करते हुए यह बताया कि रतनपुर विष्णुपुर लभरचक सड़क अब डॉक्टर भोला सिंह पथ के नाम से जाना जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व मेयर संजय कुमार, पूर्व विधायक श्रीकृष्ण सिंह, वार्ड पार्षद पिंकी देवी, धर्मेंद्र कुमार, बब्बन सिंह, गौतम राम सागर चौधरी, पार्षद प्रतिनिधि शेखर कुमार के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। दिवाली स्पेशल ट्रेन में फौरन करवाए रिजर्वेशन। त्योहारों में भारी मात्रा में बुकिंग होने के कारण 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेन फिर चलाई जा रही हैं। घर आने वाले लोग इस ट्रेन में फौरन रिजर्वेशन करा ले, क्योंकि भीड़ ज्यादा होने के कारण इसमें भी तेजी से सीटों की बुकिंग शुरू हुई है। पटना आनंद विहार स्पेशल ट्रेन संख्या 82365 पटना से 3, 7 और 10 नवम्बर को हर गुरुवार रात 8:30 बजे चलेगी। वहीं कानपुर सेंट्रल दूसरे दिन सुबह 7:25 पर आएगी और 5 मिनट बाद रवाना होगी। आनंद विहार यह ट्रेन दोपहर 2:20 पहुंचेगी। शाहबाज नदीम को भारतीय टीम की ओर से खेलता देख भावुक हुई मां। मुजफ्फरपुर के रहने वाले शाहबाज को जब रांची के क्रिकेट स्टेडियम में सैकड़ों दर्शकों के बीच कप्तान विराट कोहली ने जब टेस्ट कैप पहनाया तो मां हुस्न आरा भावुक हो गई। उनके परिवार ने अपने आवास पर टीवी पर शाहबाज के सपने को सच होते हुए देखा है। आपको बता दें, नदीम के पिता जावेद महमूद स्पेशल ब्रांच में डीएसपी पद पर कार्यरत रह चुके हैं। नदीम की इस उपलब्धि के बाद भाभी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। जदयू के चुनावी प्रचार में विकास रहा अहम एजेंडा। उपचुनाव के एक दिन पूर्व सभी प्रकार के प्रचार प्रसार को रोक दिया गया था। प्रचार प्रसार के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू का नेतृत्व करते हुए 2 दिनों के अंदर लगभग 6 सभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के बाद एनडीए के नेताओं ने जीत का दावा किया है, लेकिन खास बात यह थी कि एनडीए के नेताओं का अहम मुद्दा विकास रहा, तो वहीं विपक्ष के निशाने पर बस राज्य सरकार और केंद्र सरकार रही। आपको बता दें, 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर आज मतदान होने हैं। अमरपाली दुबे के छठ गीत ने मचाया धमाल। भोजपुरी स्टार अमरपाली दुबे का हाल ही में एक वीडियो YouTube पर आया है, जिसे सोशल मीडिया पर लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि ये गाना पिछले साल रिलीज हुआ था, लेकिन अभी भी ये फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। अमरपाली दुबे के इस गीत को कल्पना सिंह ने अपनी आवाज दी है, जबकि यह गाना प्यारेलाल यादव और आजाद सिंह ने लिखा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में पुराना राशन कार्ड ही होगा मान्य। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट कर वन नेशन वन राशन कार्ड पर कहा है कि पुराने राशन कार्ड से देश कहीं भी अनाज पीडीएस दुकानों से लिया जा सकेगा। लोगों को नए राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। पुराने कार्ड पर ही वह पूरे देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन हासिल कर सकेंगे। इसके आगे रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि प्याज टमाटर और दाल की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय नियंत्रण कमेटी बनाई है। कमेटी की समीक्षा में पाया गया है कि सब्जियों की कीमत में कमी आई है। 18 नवंबर तक करवा सकते हैं मतदाता सूची में वेरिफिकेशन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों को निर्देश दिया है कि 18 नवंबर तक मतदाता सूची का सत्यापन करवाएं। इससे आगे उन्होंने यह भी बताया है कि बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। वहीं मतदाता ऐप के माध्यम से लोग खुद से भी अपना नाम और पते की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। किसानों की उन्नति के लिए लीची का उत्पादन होगा लाभकारी। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे निदेशक कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान के डॉक्टर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की आर्थिक उन्नति में लीची का उत्पादन बेहद लाभकारी होगा। अगर इसके उत्थान में अग्रसर होकर काम किया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व में लीची निर्यात कर रहे होंगे। इसके आगे उन्होंने यह भी कहा है कि इस केंद्र में वैज्ञानिकों ने अपने नए शोधों से यह प्रमाणित किया है कि तकनीक की जानकारी लेकर किसान इस चुनौती को भलीभांति पूरा कर सकते हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में बाहरी गाड़ियों को देना होगा टोल टैक्स। पटना से बाहर आने वाली गाड़ियों में पटना नगर निगम अब टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए निगम गांधी सेतु, सिपरा, दीदारगंज चेक पोस्ट, रामचक, बैरिया, खोजा इमली, बेली रोड, रूपसपुर नहर और दीघा अल्पना सिनेमा के पास टोल प्लाजा बनाने जा रहा है। निगम के अधिकारी स्थल का निरीक्षण पहले ही कर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक छोटे वाहनों से 25 से 50 और बड़ी गाड़ियों से 100 रुपए तक का टोल टैक्स लिया जाएगा।
लोगों के खाते में जाएगा 15,000 रूपए। कन्या सुमंगला योजना के तहत केंद्र सरकार जल्द ही कन्याओं के खाते में 15,000 रूपए की राशि देने जा रही है। योजना के तहत कन्याओं को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, जिसके पश्चात 15,000 रूपए की राशि 6 किश्तों में कन्याओं के खाते में जाएंगी। ज्ञात हो यह लाभ केवल 3 लाख की सालाना आय वालों को ही मिलेगा। इसके अलावा इस योजना के तहत एक परिवार की 2 बेटियों को ही इसका लाभ मिलेगा। सीएचसी अध्यक्ष डॉक्टर ताहिर ने बताया कि बेटियों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। 7 साल के बाद भी बिजली कंपनी नहीं हो सकी आत्मनिर्भर। बिहार में उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और बिजली की गैर तरीके से इस्तेमाल को रोकने के साथ साथ बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बोर्ड की जगह कंपनी बनाने का संकल्प लिया गया था, जिसके तहत 5 साल के अंदर कंपनी को आत्मनिर्भर बनना था। लेकिन कंपनी बने 7 साल गुजर गए हैं, पर हाल वैसा का वैसा ही है। अभी भी उपभोक्ताओं को सेवा देने के मानकों पर बिहार की बिजली कंपनी काफी पीछे है। गोपालगंज जाने वाले लोग इन जगहों पर भ्रमण करने जरूर जाएं। गोपालगंज जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। थावे मंदिर, श्री पीताम्बरा पीठ, दिघवा दुबौली, लकड़ी दरगाह के अलावा हुस्सेपुर और भौरे जरूर घूमने जाएं। पटना से गोपालगंज जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सेवाएं उपलब्ध हैं। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को लगभग 17 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से जाने वाले यात्रियों को 5 से 6 घंटे का सफर करना होगा। आइए जानते हैं मौसम का हाल। दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना में हल्की धूप के साथ मौसम सामान्य रहेगा। वहीं पूर्णिया, सिवान, बेगूसराय, भागलपुर, रोहतास में दिन भर धूप और बादल का आना जाना लगा रहेगा। बाकी सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग सामान्य होंगे। बिहार में अब POS मशीन से मिलेगा अनाज। जन वितरण प्रणाली में अब बिहार वासियों को भी ऑनलाइन अनाज मिलेगा। इसके लिए सरकार ने 45,000 नए POS मशीन मंगवाए हैं। ऑनलाइन अनाज की प्रक्रिया के लिए दुकानों में POS मशीन लगाने का काम तेजी से हो रहा है। इंटरनेट सर्वर की निगरानी अच्छे से कर ली गई है। 2 साल से फंसी POS मशीन लगाने की योजना को खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अचानक तेज कर दिया है, जिसके लिए जरूरत भर मशीनें मंगा ली गई हैं। इसके साथ ही उनकी हैंडलिंग के लिए लाइसेंस धारकों की ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।